किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी नीतियाँ कितनी प्रभावी रहीं। जहाँ तक पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, तो हम इसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यानी सूचकांकों द्वारा समझ सकते हैं। पश्चिम बंगाल के उद्योग क्षेत्र में एक लंबे ठहराव एवं विघटन के पश्चात 1994 में वाम मोर्चा सरकार ने वहाँ की औद्योगिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए एवं औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में तेजी से विकास की प्रक्रिया प्रारंभ की। इसके कारण नई सहस्राब्दी के आने तक न सिर्फ वहाँ की अर्थव्यवस्था पटरी पर आती दिखी, बल्कि एक लंबे समय के लिए विकास की संभावनाएं खोलती भी प्रतीत हुई। हालांकि पूर्व के आर्थिक सुधारों द्वारा अर्थव्यवस्था में परिवर्तन पहले ही आ चुका था, किंतु सुधार की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार को श्रेय दिया जा सकता है। तो आइए आंकड़ों द्वारा इन स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं और TMC एवं CPIM के प्रदर्शन पर प्रकाश डालते हैं। जहां CPIM के 7 वर्षों के शासनकाल 2004-05 से 2011-12 तक राज्य के GDP यानी अर्थव्यवस्था के आकार में 55% की वृद्धि हुई, वहीं TMC के 2011-12 से 2018-19 के शासनकाल में इसमें 42.1% की वृद्धि हुई। यानी कि अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि तो हुई, परंतु इसकी वृद्धि दर में कुछ कमी आई। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में कमी का प्रमुख कारण रहा सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर एवं बुनियादी ढांचा क्षेत्र के प्रदर्शन में गिरावट आना। साथ ही यह बताना भी आवश्यक है कि इस दौरान उद्योग एवं कृषि क्षेत्रों की वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई। कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन पर चर्चा हम पिंक के एक अन्य वीडियो में कर चुके हैं। जहां तक उद्योग क्षेत्र में वृद्धि का प्रश्न है, तो यह बुनियादी ढांचे में आए सुधार एवं सरकार की उद्योगपरक नीतियों के कारण संभव हुई, जिस पर एक विशेष चर्चा हम एक अन्य वीडियो में करेंगे। आइए अब बुनियादी ढांचा क्षेत्र के कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। जहां तक बिजली की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यानी स्थापित क्षमता का प्रश्न है, तो यह CPIM के समय में 54.14% से बढ़ी, वहीं TMC के समय में मात्र 23.33% से बढ़ी। इसी प्रकार राज्य में सड़कों की लंबाई में जहां CPIM के 2004-05 से लेकर 2011-12 तक के शासनकाल में 53.33% की वृद्धि हुई, वहीं यह TMC के काल में मात्र 7.6% से ही बढ़ी। किसी भी सरकार की वित्तीय परिस्थिति का आंकलन बजट के वित्तीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट द्वारा किया जा सकता है, जो कि यह दर्शाता है कि सरकार अपने खर्चे पर किस प्रकार नियंत्रण करती है और किस प्रकार इसका प्रबंधन करती है। CPIM के 2004-05 से 2011-12 के शासनकाल में पश्चिम बंगाल के वित्तीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट में जहां 66.2% की वृद्धि हुई, जबकि समस्त भारत में इस अंतराल में यह 57.2% से बढ़ा, वहीं TMC के शासनकाल में इसमें 53.95% की वृद्धि हुई, जबकि संपूर्ण भारत में इस दौरान यानी 2011-12 से 2018-19 तक यह 221.7% बढ़ा। इससे यह साफ है कि TMC की सरकार ने वित्तीय स्थिति पर बेहतर प्रदर्शन किया है और वित्तीय घाटे को कम किया है। आइए अब अर्थव्यवस्था में महंगाई पर भी चर्चा कर लेते हैं। जहां 2014-15 में पश्चिम बंगाल में मुद्रास्फीति की दर 5.4% थी, जबकि संपूर्ण भारत में यह 5.9% थी, वहीं 2019-20 में संपूर्ण भारत की तर्ज पर ही यह पश्चिम बंगाल में भी घटकर 4.6% हो गई। अंततः हम राज्य में बेरोजगारी के स्तर पर भी प्रकाश डाल लेते हैं। जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का प्रश्न है, तो CPIM के संबंधित कार्यकाल 2004-05 से 2011-12 तक इसमें 8% की वृद्धि हुई, जबकि भारत में इस अंतराल के दौरान यह स्थिर ही प्रतीत हुई। TMC के 2011-12 से 2018-19 के काल में बेरोजगारी 29.6% से बढ़ी, जबकि संपूर्ण भारत में यह खतरनाक 194.1% की दर से बढ़ी। यहाँ यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी की दर में TMC सरकार के काल में बहुत सुधार हुआ, जबकि संपूर्ण भारत में महिलाओं की बेरोजगारी 105.8% से बढ़ी। शायद यह एक महिला मुख्यमंत्री एवं नेतृत्व का प्रभाव है कि ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी की दर में इतनी कमी आई, और इसे सरकार की नई नीतियों के प्रभाव के रूप में भी देखा जा सकता है।